Hello everyone and welcome to Panacea. Today we are going to discuss about the guidelines that have been issued by the government of India regarding the information technology rules. ये IT guidelines तो हैं, लेकिन इनका सीधा सीधा असर या सीधा सीधा impact freedom of speech and expression के ऊपर बताया जा रहा है. तो हम ये देखेंगे कि इससे related कौन कौन से points ऐसे हैं जिसको लेके there is some controversy which is always there regarding government orders. ये जो कोड आया है इसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए. देखिए, ड्यूरिंग द 26 जनवरी वायलेंस दैट हैपेंड इन दिल्ली, उस दौरान देयर वाज सम ऑर्डर्स रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सेक्शन 69 जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 69 है, वो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऑर्डर्स इशू करने, डायरेक्शंस इशू करने की पावर देता है. और वो डायरेक्शंस या पावर्स किसे इशू करेगा, वो डायरेक्शन या पावर इस केस में ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स को किया गया था. और उन्हें कहा गया था कि 1400 अकाउंट्स कुछ ऐसे हैं विच आर प्रोड्यूसिंग सम कंटेंट विच इज अगेंस्ट द सॉवरेंटी इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, इसलिए उनको आप बैन कर दो या उनको ब्लॉक कर दो. लेकिन गवर्नमेंट के इस ऑर्डर का ट्विटर ने कंप्लायंस किया तो सही, लेकिन बहुत लेट किया. साथ ही साथ ट्विटर ने जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की तो उन्होंने ये भी प्रोटेस्ट किया कि उनको फोर्सिबली किसी भी अकाउंट को ब्लॉक करने या किसी भी ट्वीट को डिलीट करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए. ये बैकग्राउंड के साथ साथ आपको अगर मैं OTT प्लेटफॉर्म्स यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जिनके ऊपर स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रोवाइड होती है, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ये सब, इनके रिलेटेड भी गवर्नमेंट पिछले कई महीनों से डिस्कशन कर रही है कि उसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर लाना चाहिए, विच द गवर्नमेंट डिड लास्ट ईयर. अब ये सारे की सारी चीज़ें, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या इंटरमीडियरीज जैसे ट्विटर, फेसबुक वगैरह, डिजिटल न्यूज़ मीडिया या करंट अफेयर्स के चैनल्स जो यूट्यूब या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे चलते हैं, और तीसरा OTT सर्विसेज यानी कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज, इन तीनों को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाली हैं. और ये प्रोसेस 2018 से चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को देखते हुए, ये देखते हुए कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जैसे कि ट्विटर, उसने US में इवन प्रेसिडेंट का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया, लेकिन इंडिया के अंदर वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस मानने को तैयार नहीं है. सो गवर्नमेंट गॉट अ बिट एंशियस एंड इट हैज रिलीज दीज गाइडलाइंस. हम इन गाइडलाइंस को एक एक करके पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि इनमें ऐसा क्या नया बताया गया है जिससे सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट किया जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस बिगिन. पनेशिया इंस्टीट्यूट इज ऑफरिंग अ लॉट ऑफ कोर्सेज इन डिफरेंट एग्जाम्स लाइक बैंक, SSC, UPSC, सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज. सो इफ यू वॉन्ट टू अवेल वेल क्यूरेटेड कोर्सेज एट गुड प्राइसेज, प्लीज विजिट आवर वेबसाइट और यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन द नंबर गिवन ऑन योर स्क्रीन. अब देखिए, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों मिनिस्टर्स ने पिछले हफ्ते कुछ गाइडलाइंस रिलीज की थी जिनका नाम था गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021. बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस IT रूल्स के हिसाब से आप इसे याद कर सकते हैं. ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो रूल्स और गाइडलाइंस दे सकते हैं, especially section 69 और section 79 of IT Act 2000 के अंदर. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, तीन चीजों को रेगुलेट करने की बात की गई है. ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो या तो एक मैसेंजर सर्विस की तरह काम करें जैसे कि WhatsApp, या एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करें जैसे ट्विटर, फेसबुक, एटसेट्रा. फिर डिजिटल न्यूज मीडिया जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और OTT स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम. तो एक एक करके देखते हैं कि क्या रूल्स नए आए हैं. सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज यानी कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये इंटरमीडियरीज की तरह काम करते हैं. और हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 69 इनको किसी भी कंटेंट के लिए लायबल नहीं ठहराता है. इसको समझने की कोशिश करें, अगर फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा पोस्ट डल जाता है विच इज इलीगल, इंडिया के किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो इलीगल है, तो उसके लिए उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया जाता. ये क्लियर इम्यूनिटी दी जाती है इन प्लेटफॉर्म्स को, बिकॉज दे आर जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. ये लोग खुद पब्लिश नहीं कर रहे हैं ऐसा पोस्ट, लेकिन इन गाइडलाइंस के अंदर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को बोला गया है कि हम तुम्हें कुछ ड्यू डिलीजेंस करने के लिए कह रहे हैं. अगर तुमने ये ड्यू डिलीजेंस नहीं किया, विच वी विल सी कि वो है क्या, देन यू विल ऑल्सो बी लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ इलीगल कंटेंट ऑन योर प्लेटफॉर्म. तो ये ड्यू डिलीजेंस क्या है भाई? ड्यू डिलीजेंस में कई पॉइंट्स आते हैं.
आपको एज अ सोशल मीडिया इंटरमीडियरी अपने रूल्स, रेगुलेशन, प्राइवेसी पॉलिसी पब्लिश करने होंगे। सेकंड, यूजर्स को पीरियोडिकली इन्फॉर्म करना होगा। देखिए, कुछ चीज़ें तो इनमें से ये लोग कर ही रहे हैं, दे आर डूइंग इट, बट इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया है। आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को इन्फॉर्म करना होगा। अगर गवर्नमेंट की तरफ से या किसी कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ एनी ऑर्डर कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी कोर्ट रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन दे रिक्वायर, अगर उनको किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी तरह की इंफॉर्मेशन को आपके प्लेटफॉर्म से रिमूव करने के लिए उन्होंने कहा है, एंड कौन सी इंफॉर्मेशन को कर सकते हैं उसको भी लिस्ट आउट किया है कि पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट से रिलेटेड, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस से रिलेटेड, ये ब्रॉड टर्म्स हैं। इसीलिए क्या होता है सेफ्टी, क्या होता है पब्लिक ऑर्डर, ये बहुत ब्रॉड टर्म्स हैं, और गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर इनसे रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को रिमूव करने, मॉडिफाई करने के लिए आपको ऑर्डर आता है तो आपको ये इमीडिएटली करना पड़ेगा, 36 आवर्स के अंदर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो फिर आप लायबल हो जाओगे उस कंटेंट की। यही तो है हमारा ड्यू डिलिजेंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इसके दोनों एस्पेक्ट है, पॉजिटिव भी, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं, र्यूमर मॉन्गरिंग होती है सोशल मीडिया पे, तो उसे कंट्रोल करना भी होना चाहिए। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो ये किसी भी तरह से मिसयूज हो सकता है। कोई भी एविडेंस या ट्वीट या पोस्ट या फोटो, ये जो एविडेंस के तौर पे कहता है गवर्नमेंट कि आपको स्टोर करके रखने पड़ेंगे 180 डेज तक, दीज आर ऑल पॉइंट्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को फॉलो करने हैं। अब एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है, दैट इज रिगार्डिंग द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज। अब व्हाट्सएप पे देखते हैं कि हमारे जो मैसेजेस हैं व्हाट्सएप के हिसाब से वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, यानी व्हाट्सएप इज नॉट गोइंग टू रीड द मैसेजेस, इट सेज इन इट्स पॉलिसी, एंड नो वन एल्स कैन एक्सेस द मैसेजेस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ इन गाइडलाइंस में क्या कहता है, गवर्नमेंट कहता है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई इल्लीगल एक्टिविटी हो रही है तो मैं उस मैसेज या उस पोस्ट के ओरिजिनेटर तक पहुंचना चाहता हूं, कहां से वो ओरिजिनेट हुआ है, और इसके लिए वो 72 आवर्स का टाइम देगा सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को, और उसे उस ओरिजिनेटर का नाम, आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, विच इज अगेन प्राइवेसी के जो एक्टिविस्ट हैं वो कहेंगे कि ये तो गलत हो रहा है। बट If government law and order maintenance या government की law and order machinery से पूछें तो ये बहुत अच्छा step है। So दोनों side हैं इसके। Now the grievance redressal officer या grievance redressal का एक mechanism है जो सबके लिए है, social media intermediary के लिए भी है, over the top platforms के लिए भी है, और digital news platforms के लिए भी है या media के लिए भी है। Apart from that there are other guidelines also, जैसे कि अगर कोई objectionable pornographic material सोशल मीडिया वेबसाइट पे आता है तो उसे 24 आवर्स के अंदर रिमूव करना है। आपने एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट करना है जो इंडिया के अंदर उसकी रेजिडेंस रहेगी और उसको कंप्लेंट जाएगी रिगार्डिंग एनी पोस्ट ऑन द सोशल मीडिया, तो ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म मेंटेन करना है। साथ ही साथ एक कंप्लायंस ऑफिसर भी रखना है जो इन रूल्स और ड्यू डिलिजेंस की कंप्लायंस के बारे में इंश्योर करे। दीज आर मोस्टली एप्लीकेबल टू सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। तो गवर्नमेंट क्या कहता है कि देर मे बी सम सोशल मीडिया इंटरमीडियरी जिसपे इतनी प्रेजेंस नहीं है लोगों की, ना इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ना इतने ज़्यादा यूजर्स हैं, तो उन लोगों को ये सब रेगुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है जिसके लिए गवर्नमेंट विल सेट अ थ्रेशोल्ड कि हाँ इतने फॉलोअर से ज़्यादा हो गए तो उसको सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी कहा जाएगा, और उस ऑर्गेनाइजेशन को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना पड़ेगा, 24/7 नोडल पर्सन रखना पड़ेगा ताकि वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, और साथ में हर 6 महीने में कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी। अगर ये सब वो नहीं करते हैं देन अगेन दे विल बी लायबल फॉर एनी एक्शन विच कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब आते हैं डिजिटल या ऑनलाइन मीडिया और OTT ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। यहाँ पे भी ये बात कही गई है कि आपको इस मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड एक प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना होगा, नहीं बनाओगे तो फिर से वो लायबिलिटी वाला क्लॉज आ जाएगा। देखिए, इन प्लेटफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि 3-tier रेगुलेटरी मैकेनिज्म अप्लाई होगा। उस 3-tier मैकेनिज्म को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एक पोर्टल बनाएगा, ऑनलाइन वेब पोर्टल, जिस मिनिस्ट्री के वेब पोर्टल पे आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी मटेरियल जो उस पे पब्लिश हो रहा है साइट पे वो ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है या इलीगल लग रहा है। कंप्लेंट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी और वो कंप्लेंट उस पर्टिकुलर कंपनी या उस पर्टिकुलर स्ट्रीमिंग सर्विस के ऑफिस तक पहुँचा दी जाएगी। अब इस स्ट्रीमिंग सर्विस के ऑफिस को एक 3-tier रेगुलेटरी मैकेनिज्म रेगुलेट करेगा।
पहला लेवल तो वही होगा जो विद इन द स्ट्रीमिंग सर्विस, यानी कि विद इन दैट कंपनी देर विल बी अ रिड्रेसल ऑफिसर, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, और उसके पास एक कंप्लेंट जाएगी। अगर इस कंप्लेंट को एड्रेस कर दिया गया, मान लो कोई ऐसा एक्टिविटी थी या कोई ऐसा शो है जिसके अंदर कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, अगर उसको रिमूव करने की कंप्लेंट थी और रिमूव हो गई तब तो ठीक है, एंड दैट ऑल्सो नीड्स टू बी डन विद इन 15 डेज। लेकिन अगर 15 डेज के अंदर एक्शन नहीं लिया जाता है तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि सेकेंड लेवल की आप अपील करो, और वो करोगे आप लेवल 2, यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो बनाया जाएगा। ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी क्या होगी, देखिए जैसे टीवी चैनल्स के लिए बार्क नाम की एक एजेंसी है और न्यूज चैनल्स के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, ये सेल्फ रेगुलेट करते हैं, यानी कि अगर कोई भी कंटेंट उनके कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट जाता है तो उसको वो रिमूव करने की बात करते हैं, उसको नेगोशिएट करते हैं चैनल्स के साथ कि आप ऐसा कंटेंट ना दिखाएं। वैसे ही यहाँ पे भी एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिसमें ये सारे प्लेटफॉर्म्स मिलके एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे, और उस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का हेड प्रेफरेबली शुड बी अ हाई कोर्ट जज, या किसी जज की पोस्ट रखने वाले बंदे को उसका चेयरमैन बनाया जाएगा। वो क्या करेगा, वो बॉडी ये करेगी कि सेकेंड अपील जो आएगी, यानी कि फर्स्ट डिजिटल मीडिया एंटिटी ने अगर आपका 15 दिन में नहीं सुनी ग्रीवेंस तो आपके पास अपील लेके आएगा, और फिर वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो बनाई गई है उसका डिसीजन 15 दिन के अंदर आना पड़ेगा। अगर यहाँ पे भी नहीं होता है आपका ग्रीवेंस रिड्रेस तो तीसरा स्टेज भी है, एंड दैट इज द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री के अंदर इंटर डिपार्टमेंटल बॉडी बनाई जाएगी, यानी कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज इसके मेंबर होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, होम मिनिस्ट्री, इन सब के सेक्रेटरीज यानी कि ब्यूरोक्रेट्स इस कमेटी के अंदर बैठेंगे और वो फाइनल डिसीजन लेंगे। फाइनल डिसीजन कुछ भी हो सकता है, ये भी कि आप उस कंटेंट को वार्निंग के साथ दिखाओ जिस कंटेंट की बात हो रही है, या ये भी हो सकता है कि आप उस कंटेंट को पूरी तरह रिमूव कर दो। सो ऑल दीज डिसीजंस कैन बी टेकन बाय दिस थर्ड लेवल रेगुलेटरी बॉडी। तो ये ओवरसाइट बॉडी है, तीन लेवल का रेगुलेशन आ गया है, और यही एक चीज है जो डिजिटल मीडिया और इन कंपनीज को परेशान कर रही है, क्योंकि एक तो आपको कंप्लाई करने के लिए एक्सपेंसेस बढ़ाने पड़ेंगे, कंप्लायंस ऑफिसर रखना, उसको सैलरी देना, उसके ऑफिस मेंटेन करना, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, और साथ ही साथ आपके ऊपर एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी रख दिया गया है। न्यूज़ और करंट अफेयर्स के कंटेंट से रिलेटेड भी एक क्राइटेरिया है जिसको कहते हैं सिग्निफिकेंट पब्लिशर। जैसे मैंने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के बताया कि देर विल बी अ क्राइटेरिया जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी बोला जाएगा उसे, वैसे ही न्यूज़ चैनल्स जो ऑनलाइन प्रेजेंस रखते हैं वेबसाइट पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे जैसे यूट्यूब, उन लोगों को भी सिग्निफिकेंट न्यूज़ चैनल्स के तौर पे डिफाइन किया जाएगा या सिग्निफिकेंट पब्लिशर के तौर पे डिफाइन किया जाएगा। क्राइटेरिया क्या है, अगर वो बिजनेस कंडक्ट करते हैं और प्राइमरीली न्यूज पब्लिश करने का बिजनेस है, अगर वो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, या अगर उसके 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है या 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, दिस इज अ क्राइटेरिया। वैसा ही सोशल मीडिया पे भी रखा जाएगा, जो हम सिग्निफिकेंट की बात कर रहे हैं तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोस्ट ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स विल क्वालिफाई एज सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। तो इनका जो भी कंटेंट होगा, वट एवर द कंटेंट विल बी देयर, दैट विल कम अंडर दिस ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इसके अंदर होगा। साथ ही साथ इन सभी सिग्निफिकेंट करंट अफेयर्स पब्लिशर्स को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा, मतलब अपना पक्का करवाना पड़ेगा कि हम लोग न्यूज मीडिया चैनल्स हैं, डिजिटल मीडिया चैनल्स हैं और हमारी डिजिटल प्रेजेंस है। ऐसा पहले नहीं होता था, सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि हर कोई न्यूज चैनल खोल के या न्यूज चैनल ऑपरेट कर देता है यूट्यूब पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जर्नलिज्म इज प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल ही उसे रहना चाहिए। अब आते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स, यानी कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ऑल द कंटेंट दैट इज शोन बाय दी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, उनको नाम दिया गया है ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट। ये जो रूल्स है इसकी PDF मैं इसके साथ वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ, 29 पेजेस के हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन क्रक्स है मैंने आपको यहीं पर बता दिया है। देखिए, जो ऑनलाइन कंटेंट ये OTT प्लेटफॉर्म्स देते हैं, उन लोगों को भी किसी ना किसी अनलॉफुल कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं देनी है। कोई भी कोर्ट का ऑर्डर आता है और उसको मानना पड़ेगा, अगेन वो ड्यू डिलीजेंस वाला फैक्टर जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए था, लेकिन यहाँ पे उसको ड्यू डिलीजेंस नहीं बोला गया है। हेयर दे हैव टोल्ड कि आप कंसिडरेशन में लेना इन चीज़ों को अपना कंटेंट पब्लिश करने के लिए, जो वेब सीरीज मूवीज आती हैं उसके टाइम पे, क्योंकि इसमें सेंसर बोर्ड की सर्टिफिकेशन तो लगती नहीं है, इसलिए यहाँ पे करना ज़रूरी है। जो भी कंटेंट
which affects sovereignty, integrity of India, threatens, endangers or jeopardizes security of the state, or content which is detrimental to India's friendly relations. तो ये अगेन ये एक बहुत बड़ी कैटेगरीज हैं जिन सब का ध्यान रखना पड़ेगा. साथ ही साथ ये कॉन्ट्रोवर्सीज जो होती हैं कि किसी पर्टिकुलर समुदाय कम्युनिटी रिलीजियस कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं उस चीज़ को भी इन लॉज के अंदर रखा गया है कि आपको कंटेंट बनाते वक्त उसका भी ध्यान रखना है. देखिए अभी भी रेगुलेशन थोड़ा सा लूज रखा है. दे हैव नॉट ट्राई टू डिक्टेट कि क्या चीज़ें दिखानी चाहिए क्या नहीं दिखानी चाहिए. बट अगेन दीज आर साइंस दैट द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू रेगुलेट द कंटेंट विच इज बींग शोन ऑन द मीडिया. तो ये एक फीचर है जिसके दोनों एस्पेक्ट है क्योंकि दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं. एक तरफ का आर्ग्यूमेंट ये है कि आप गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट विच इज रेगुलेटिंग दीज बॉडीज वाया IAS ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेट्स, इन लोगों को आप कंट्रोल नहीं देना चाहते कि क्या दिखाया जाए और क्या ना दिखाया जाए. लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखते हो कि सेल्फ रेगुलेशन काम नहीं कर पाता है. स्पेशली टीवी मीडिया की अगर बात करें वहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन हैज़ फेल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट. तो इस वजह से इनका दोनों एस्पेक्ट है. साथ ही साथ ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं इनको अपना कंटेंट को भी क्लासिफाई करना पड़ेगा. यानी कि जो भी ये कंटेंट दिखाते हैं उनको 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करना पड़ेगा. आप देखते होंगे कि कई OTT प्लेटफॉर्म्स ऐसा करते भी हैं बट अब यहाँ पे पूरी तरह से इनको रूल्स के अंदर लिस्ट कर दिया है कि भाई क्या कैटेगरीज होनी चाहिए. वन इज यू द यूनिवर्सल जो सभी देख सकते हैं कंटेंट. दूसरा है UA 7+ यानी कि 7+ वो देख सकते हैं कंटेंट. UA 13+ यानी कि 13+ जो है वो कंटेंट देख सकते हैं. एज की बात हो रही है 13+ तो 13 से ज़्यादा उम्र वाले लोग वो कंटेंट देख सकते हैं और 7 से 13 की उम्र वाले पेरेंटल गाइडेंस के साथ देख सकते हैं. ठीक है फिर 16+ वैसे ही और फिर आखिर में ए कंटेंट. और एडल्ट कंटेंट के ऊपर चाइल्ड लॉक लगाने के फीचर्स अवेलेबल आपने करवाने पड़ेंगे कि आपको एज के साथ या एज के किसी ना किसी कंफर्मेशन के साथ साइन इन करना पड़े. As you know, this can be very tricky because people generally कैसे साइन इन करते हैं अपने पिताजी माताजी की ID से. So how they will regulate this content, that is going to be very important. So this was the summary of the IT rules and regulations that the government has released. Apart from this, there are some other features also, some other points, लेकिन वो इतने important नहीं है हमारे समझने के लिए. लेकिन ये जो 5-6 चीज़ें मैंने आपको बताई बहुत important है. So if you like the video, please subscribe our YouTube channel. If you have any queries, please contact us on the email ID given on your screen. You can also WhatsApp us on the given number. Thank you.